हे गाइस, देखो इस गिरते बाजार में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज वो नीचे हैं, कल नहीं रहेंगे, कल हाई चले जाएंगे। तो कुछ ऐसे हैं जो मैंने सोचा कि आप लोगों को सिलेक्ट करके दिखाऊं, फिल्टर करके दिखाऊं। 5 मिनट का वीडियो में 10 स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? 5 मिनट का वीडियो रहेगा तो पूरी तरीके से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, इसके बारे में लोगों को ऑलरेडी पता है, कई बार इन्फॉर्म कर चुका हूँ, कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं। एक एक स्टॉक के ऊपर कम से कम एटलीस्ट आपको 20-20 वीडियो तो पक्का मिल जाएंगे अगर आप चैनल पर जाकर ढूंढोगे तो, नहीं तो आप मुझे बोलो तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रहेगा वो डिक्सन टेक्नोलॉजी। आज के डेट में डिक्सन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश किया, हालांकि बाजार गिरा है, ठीक है, 1-2% वो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से रिकवरी मोड में है। यहाँ से यहाँ ये 50-60% स्टॉक गिर चुका था, अभी देखो 50% रिकवर भी हो चुका है। ऐसा है तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने बाहर से LED चीज़ों को लाने के लिए बैन कर दिया है, मना कर दिया है, और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो होता है, टैक्स वैक्स, वो बढ़ा दिया गया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर इंडिया में बहुत है, बहुत है। उसके साथ साथ हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड अगर आप देखोगे, IT सेक्टर में कोई भी स्टॉक नहीं चले, और हैप्पीएस्ट माइंड भी आपको काफ़ी अच्छी गिरावट पे आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से अगर आप देखो तो ये गिरना नहीं चाहता, ये केवल साइड में ही चल रहा है। देखो साइड वे, एकदम साइड वे में चल रहा है, गिर नहीं रहा है, गिर नहीं रहा। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर गिरावट रुक चुका है। तो ऐसे चीज़ों को आज हम देखेंगे तो आने वाले दिनों में ही यही सारी चीज़ जो है ऊपर जाते हुए नज़र आ जाएंगे, फिर ऐसा रहेगा। क्लीन साइंस, ये भी देखो जब से आया है, इसका भी जब से IPO, तो ये भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर और ये मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत गिरता हुआ नज़र आता है, ऑल ओवर अभी आपको 15-16% तक का ही गिरावट देखने को मिलता है, लेकिन जिसने लोगों ने हाई पे खरीदा हुआ उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस पर मैं आपको बोलूँगा कि मुझे लगता है कि इस पर अभी खरीदना नहीं है, नहीं है खरीदा नहीं है, बस ध्यान देना है, क्योंकि और अगर थोड़ा गिरता है तो मुझे लगता है 2-3 महीने में ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि गिरावट इसका खत्म होकर इसका कंसोलिडेशन के मूड में ही बहुत जल्द जाने वाला है, कंसोलिडेशन में बहुत जल्द जाने वाला है। APL अपोलो टीम, ये तो मैं आपको बोलूँगा सुबह शाम हरे राम, समझ रहे हो ना, बस यही काम करना है आप लोगों को, सुबह शाम हरे राम करके ये जितना भी स्टॉक गिरे तो समझो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा खासा तगड़ा गिरावट पे मिल जाए तो समझो कि भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम यही है कि ऐसे स्टॉक गिरावट में मिलते ही नहीं है, ऐसे स्टॉक गिरावट में मिलते ही नहीं है। देख लीजिए गिरते भी है तो थोड़े बहुत टेम्प्रेरी गिरेंगे, यहाँ पर टेम्प्रेरी गिरावट हुआ था, यहाँ पर देखो छोटे छोटे गिरावट हुए थे, लेकिन लास्ट में देखो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला। ऐसे है वोल्टास, अगर आप देखोगे तो भाई मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा AC वगैरह बनाना और भी बहुत सारी चीज़ों बनाना, लेकिन देखो ये भी स्टॉक कहाँ से कहाँ आकर गिरा हुआ है। पहली बार गिरावट हुआ क्या? नहीं, पहले भी गिरावट हो चुका, देखो पहले भी बड़े बड़े गिरावट हो चुके हैं, यहाँ पर भी गिरावट हो चुका। अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखो 60% स्टॉक गिरा हुआ, 60-70% यहाँ पर, और बाकी तो ये सारी चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर भी 85% गिरा हुआ स्टॉक, यहाँ पर भी देखोगे तो 64%, मतलब कई बार गिरा हुआ। तो ये भी हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आया है, अगर यहाँ से स्टॉक दौड़ा तो डबल ट्रिपल भी कर देगा। टाइम लगेगा चीज़ों को बदलने में, लेकिन लंबे समय में रिजल्ट नज़र आता है, वो नज़र आएगा। रोटो पंप अगर आप देखोगे तो ये LIC से अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये बीच बीच में गिरता है, देखो यहाँ भी गिरा था, ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ भी गिरावट देखने को मिले, बीच बीच में देता है टेम्प्रेरी गिरावट देखने को मिलता है, लेकिन हाँ लंबे समय में ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इसका भी रिसेंट में भी IPO आया था। बजाज फाइनेंस जैसे अगर स्टॉक खरीदोगे तो भाई 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 5 साल वेट करोगे, ठीक है, तब आपको थोड़ा बहुत कुछ नज़र आएगा कि हाँ भाई नॉर्मल रिटर्न है, ठीक ठाक है, इट्स अबाउट ओके ओके बोल सकते हैं, ओके ओके, ठीक है। हाई बाय वाला ये स्टॉक है, कोई मतलब नहीं है इनको दुनियादारी से, पूछो क्यों, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं पहले, अब ये बड़ी कंपनी बन चुकी है इस वजह से, ठीक है, इस वजह से मैं आपको बोला, अब ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। बाकी मैं आपको बोलूँगा बजाज जैसे स्टॉक्स में नो कमेंट। एंजलोन, हाँ अगर ये चीज़ें गिरता है तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लंबे समय में ये लोग नहीं गिरने वाले, इनके पास स्पेसिफिक 12% या 17% तक का इनके पास मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं, सबके लिए लार्जेस्ट है भाई पूरे इंडिया में, जीरोधा के पास इन्हीं का नंबर आता है। उसके साथ साथ ADF फूड मैंने आप लोगों को याद है 700 रुपये के बाजू में बताया था, और ये 1200 रुपये के बाजू में जाता हुआ नजर आया, अभी भी 1100 रुपये के बाजू में देखने को मिल रहा है। ये मसालेदार फूड बनाती है, रेडी टू ईट फूड बनाती है, अचार वगैरह बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, 200-300 प्रोडक्ट है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में ले जाके अपना प्रोडक्ट बेचती है, पूरे भाई मतलब समझो विदेशों में ले जाके अपना प्रोडक्ट बेचती है विदेशों में, और लोग लेते भी हैं, क्योंकि इंडिया का फूड ही इतना मज़ेदार है ना, कोई भी खाने को बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। सुजलॉन, तो मैं आपको बोलूँगा सुजलॉन देखो केवल वही लोग खरीदें जिनके पास पैसे ना हो। अब बोलेंगे सर पैसे नहीं है तो फिर खरीदेंगे कैसे? देखो कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी बहुत
हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो स्विट्जरलैंड में आपको बोलूँगा, आप ये 25,000-30,000 करोड़ की कंपनी होने जा रही है, तो ये आपको कुछ ज़्यादा खास रिटर्न निकाल कर नहीं देने वाला, अप एंड डाउन वाली कंपनी है। तो ये धीरे धीरे चलता हुआ नजर आएगा। फंड रेज कर रहे हैं तो कंपनी की हालत सुधारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी की हालत सुधारेंगे तो कल ही चांद पे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसी चीज़ों में, ठीक है। बाकी दीपक नाइट्रेट तो ये भी भाई बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, यहाँ से कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिलने वाला, आप दिखती देख ही सकते हो। उसके साथ साथ देखता हो तो पेज इंडस्ट्री, तो पेज इंडस्ट्री भी अगर आप देखो तो ये भी गिर चुका है, ये भी अब ज़्यादा नहीं गिरने वाला है, और ये तो यू शेप की तरह अगर आप देखो तो रिकवरी भी देखने को मिलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा ध्यान रखिएगा, कंपनी अच्छी है, ये सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनी है, लंबे समय में कभी किसी को धोखा नहीं देते, तो अगर आप लंबे समय तक टिक पाओगे तो ठीक है। शॉर्ट टर्म में जो है सब कुछ अप एंड डाउन होता है, अच्छे कंपनी भी शॉर्ट टर्म में गिर जाते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में रहेगा, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री रहेगा, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।